हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बायो एनर्जेटिक यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, मायोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? सो हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन अवर बॉडी थ्रू ब्लड। ओके, सो हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है एंड जो ऑक्सीजन है उसको हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू ब्लड। ओके, बेसिक डेफिनेशन यही है। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन विच प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स एंड विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन अवर बॉडी थ्रू ब्लड्स। ओके, सो ये है। और हीमोग्लोबिन एक जो है कलर पिगमेंट्स भी होता है, जो हमारा ब्लड का जो लाल कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो वो नीला कलर होता, ठीक है। तो जो हमारे ब्लड का लाल कलर है उसके लिए भी हीमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल है, ये मेन पॉइंट है। एंड हीमोग्लोबिन से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है दैट इज C34H32N4O4Fe एंड इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है दैट इज लगभग 64500, ठीक है, ये इसका मॉलिकुलर वेट होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको इतना ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। नाउ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सो मैक्स पर्टर्स ने जो है सबसे पहले 1959 में मॉलिकुलर स्ट्रक्चर डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन का, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मॉलिकुलर जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले 1959 में मैक्स पर्टर्स ने डिस्क्राइब किया था। हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है। द मेन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट इज मेड ऑफ अप टू सब यूनिट, ठीक है, अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन जो मेन टाइप जो हीमोग्लोबिन होता है जो एडल्ट्स में पाया जाता है वो दो टाइप के सब यूनिट अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर अल्फा एंड बीटा सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एंड जो हर एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, जैसे अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसे अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट कहा जाता है, ये आपस में लिंक्ड होते हैं हीम प्रोस्टेटिक ग्रुप के द्वारा, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट हो गया। अब अल्फा सब यूनिट क्या होता है? इट इज अ मेड अप ऑफ अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 141 अमीनो एसिड रेसिड्यू। ओके, सो अल्फा सब यूनिट क्या होता है? अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है एंड इसमें 141 अमीनो एसिड जो है इसमें पाए जाते हैं। एंड बीटा सब यूनिट क्या होता है? इट इज अ मेड अप ऑफ बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 146 अमीनो एसिड, ठीक है। सो बीटा सब यूनिट क्या है? बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है जिसमें 146 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। एंड जो एक होता है हीम ग्रुप, ठीक है, जो हीम प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है? इट इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोस्टेटिक ग्रुप विच इज अटैच्ड टू ईच पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। सो बेसिकली ये दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, जिसमें अल्फा में अल्फा सब यूनिट में 141 अमीनो एसिड, इसमें 146 अमीनो एसिड पाया जाता है। इसके अलावा एक हीम ग्रुप पाया जाता है जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है, विच इज अटैच्ड टू ईच पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, जो हर दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ा होता है, क्योंकि दोनों को जोड़ने का ये दोनों जो सब यूनिट है ये प्रोस्टेटिक ग्रुप से ही जो है चेन से ही जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर्स है जिसमें जो आयरन है टू ऑक्सीडेशन स्टेज में है एंड ये हीम प्रोस्टेटिक ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप इसको याद कर लीजिए, इसको आप थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इतना ही है कि आप इसके कुछ पॉइंट्स एंड इसके स्ट्रक्चर आप बना देंगे तो जनरली 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाता है, उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन के चार यूनिट जो है, ठीक है, 4 मायोग्लोबिन ज्वाइन टूगेदर बाय द हीम प्रोस्टेटिक ग्रुप एंड फॉर्म हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो 4 मायोग्लोबिन आपस में जुड़कर भी जो है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन के फंक्शन क्या होते हैं। सो द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू कैरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस टिश्यू, ठीक है। मेन फंक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करते हैं एंड इसको हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट में, वेरियस टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन टू
हीमोग्लोबिन इज कोऑपरेटिव बाइंडिंग, ठीक है। तो जैसे जो हमारे हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन बाइंडिंग होगा ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग होता है, द बाइंडिंग एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम बाइंडिंग एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एचबी इन द लंग्स एंड टिश्यू रिस्पेक्टिवली इज ड्यू टू द ट्रांजिशन बिटवीन लो ऑक्सीजन एफिनिटी टी स्टेट एंड हाई ऑक्सीजन एफिनिटी आर स्टेट रिएक्टेंस। ओके, सो बेसिकली ये पॉइंट क्या कहता है कि जैसे ब्लड्स में आरबीसी में, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है, द बाइंडिंग ऑफ रिलीज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन, जैसे रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है, तो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन लंग्स में जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे वही बोला है, लंग्स में जो है जुड़ेगा और टिश्यूज में जाके जो है ये रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन बेसिकली ये ट्रांजिशन बिटवीन लो ऑक्सीजन एफिनिटी एंड हाई ऑक्सीजन एफिनिटी, टी स्टेट एंड आर स्टेट दो होता है, टी स्टेट क्या होता है टेंस एंड आर स्टेट रिलैक्स, टेंस मतलब जब ये लंग्स में एचबी ऑक्सीजन को कैरी करता है तो ये स्टेट इस स्टेज में होता है, एंड इस स्टेट में क्या होता है जब हमारा एचबी ओ जो ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है उसको टिश्यूज में रिलीज करता है तो रिलैक्स स्टेट होता है आर स्टेट। तो यही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। सो ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मायोग्लोबिन, ठीक है। सो व्हाट इज मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इन मसल्स रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल्स वेयर द ऑक्सीजन इज यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ईच मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज वन हीम प्रोस्टेटिक ग्रुप लोकेटेड इन द हाइड्रोफोबिक क्लेफ्ट इन द प्रोटीन, ठीक है। बेसिक सिंपल है, मायोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है इन मसल्स का, ठीक है, एंड रिसीव ऑक्सीजन, ठीक है, मसल्स में क्या होता है जो रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल सा है, मायोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन से रिलेट करके पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है एंड वो जो है लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके कहां पे लाएगा? टिश्यूज तक लाएगा, सेल्स तक लाएगा। अब ये मायोग्लोबिन क्या करता है? रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स, उसी ऑक्सीजन को ये रिसीव कर लेगा एंड ट्रांसपोर्ट करेगा इसको माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑफ मसल्स सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जहां पे जो ऑक्सीजन है यूज्ड होगा सेलुलर रेस्पिरेशंस में, जो हमारे सेल्स के रेस्पिरेशंस है उसमें, एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इसी एनर्जी को हम यूज करते हैं। सो ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए मायोग्लोबिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ईच मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज वन हीम प्रोस्टेटिक ग्रुप, हर एक जो मायोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें हीम प्रोस्टेटिक ग्रुप पाया जाएगा जो कि हाइड्रोफोबिक प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। एंड स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें मायोग्लोबिन का, सो इट इज ए मोनोमेरिक प्रोटीन दैट हैज 153 अमीनो एसिड, ठीक है, एक मोनोमेरिक प्रोटीन है जिसमें 153 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं एंड 8 अल्फा हेलिक्स पाए जाएंगे। एंड मायोग्लोबिन हीम ग्रुप, ठीक है, कंटेन आयरन एंड ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, तो ये मायोग्लोबिन पाया जाए, मायो मतलब आयरन कंटेन किया है ये, इसीलिए हीम ग्रुप है, एंड ग्लोबिन ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ठीक है, तो ये मायोग्लोबिन एंड हैव अ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड इट हैज अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये मायोग्लोबिन का एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये, जिसमें आयरन जो सेंट्रल में आयरन कंटेनिंग है, ये प्रोस्टेटिक ग्रुप्स पाए जाएंगे, यहाँ पे एक पेप्टाइड चेन जुड़ा रहता है। सो हमने हीमोग्लोबिन डिस्कस किया, एक कॉन्सेप्ट ये है कि चार जो मायोग्लोबिन है उनको आप पेप्टाइड चेन से जोड़ते हैं एक साथ तो हीमोग्लोबिन का एक यूनिट बनता है, ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का सेम ही है, बस कुछ डिफरेंस है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना के बार बार दो तीन बार बना के देखेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ये मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, जनरली 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उतना भी एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब एक बार आप देखेंगे तो अपने से पूरा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का डिटेल एक्सप्लेनेशंस, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड ये नोट्स आपके लिए यूजफुल हुए होंगे। इसके अलावा अगर आपको एमएससी एंड बीएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हरिटन नोट्स चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा पीडीएफ स्टोर का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोज देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।